हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बीन्स एंड टोस्ट बनाना जा रहा हूँ। बीन्स एंड टोस्ट मैं अपने दादा दादी के लिए बना रहा हूँ, आप भी अपने परिवार वालों के लिए बना सकते हैं। हम बीन्स एंड टोस्ट बनाने के लिए बिग बीन्स लेंगे, टमाटर और मिर्ची, एक चम्मच बटर, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी मैं मिर्ची डालूँगा। इसके साथ मैं थोड़ा सा नमक भी डालूँगा। हम सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गरम करके रख लिया है। अब मैं कढ़ाई में बटर डालूँगा। जैसे हम बटर डालें हमें उसमें टमाटर और मिर्ची को डाल देना है। अब मैं बहुत थोड़ा सा नमक डालूंगा। आधी चम्मच मैं काली मिर्च डालूंगा। और आधी चम्मच मैं मिर्च डालूंगा। अब हमें इसे अच्छे से चला देना है। अगर आप कम बटर खाते हैं तो आप कम बटर भी डाल सकते हैं। मैंने एक टमाटर और तीन छोटी मिर्ची ली हैं। अब हम इसमें थोड़ी देर बाद हम इसमें बीन्स डाल देंगे। जब तक वो पक रहा है तब तक हम ब्रेड को टोस्ट कर लेते हैं। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाते। अब हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें बेक्ड बीन्स डाल देंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसे वापस रख देंगे। आप देख सकते हैं ये पकने लगा है। अब हमें इसे बिना ढके 4-5 मिनट ऐसे ही पकाना है। अब आप देख सकते हैं हमारी बीन्स कितने पक के कितने अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं हमारी ब्रेड भी तैयार है। अब मैं एक लोमचा लूँगा और थोड़ा थोड़ा दोनों ब्रेड पे लगा दूँगा।
अब मैं इसे अपने दादा दादी को सर्व कर देता हूँ। Thank you.